डेट आ गई है इंशाल्लाह तो, और बेहतरीन तरीके से इंशाल्लाह होगा ये एहतजाज बेहतरीन। इस बार वापसी होगी कि नहीं करना होगा? नहीं भाई जान, बताया है पहले से आपको, इस वापसी नहीं है, उस वक्त जानता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। ये फैसला नहीं हुआ कि धरना होगा या कुछ और होगा, ये भी फैसला होना है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं, मल्टीपल प्रपोजल्स हैं, मल्टीपल चीजें इकट्ठी होके एक मूवमेंट जो है वो। राजा साहब ये तय हो गया है कि धरना होगा, जलसा होगा, शहर बंद होंगे, क्या होगा? होगा देखिए, हम तो कोई शहरबंदी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो हमारी जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए, एक रोड मैप दिया जाए, लेकिन हम जब तक कि एक फसताइयत और झूठ का माहौल खत्म नहीं होता हम सड़कों पर रहेंगे। सड़कों पर रहेंगे तो क्या इसका मतलब है कोई ये धरने की सी सूरत हाल बनेगी या ये अब सड़कों पर स्ट्रीट मूवमेंट होगी, ये तय हो गया है? जी बिल्कुल, धरना भी हो सकता है और यकीनन इस्लामाबाद या दीगर शहरों में जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो बैठेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे, ये कोई एक दो घंटे का मामला तो नहीं होगा। तो कोई बड़ी शहराएं ब्लॉक करेंगे सर, इम्पैक्ट तो ऐसे ही बनेगा। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आते हैं, हुकूमत आपको कहती है F9 पार्क जाके बैठ जाए, तो आप वहां बैठे रहे, तो अभी ये तय हुआ है कि ये इसको इम्पैक्टफुल कैसे बनाना है? तफसीलात तो मैं अर्ज नहीं कर सकता, हम चलेंगे सड़कों पे चलेंगे, किसी को शाहराह बंद नहीं करनी चाहिए, हमें मौका देना चाहिए, हमारा ये आईनी कानूनी हक है चलना अपने मुल्क की सड़कों पे। क्यों हमें रोका जाता है, क्यों शेलिंग की जाती है, क्यों गोलियां चलाई जाती हैं? ये सूरत हाल तो हुकूमत पैदा करती है, हम नहीं पैदा करते। हमें पुरअमन तरीके से आने दिया जाए, हम बिल्कुल मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क में अहमियत के लिए, हम जो जख्म लगे हैं उनको भरने के लिए आना चाहते हैं, हमारा ये मुतालबा है। इस मुल्क में कानून और शराफत को बहाल करो सर, इसके लिए आप एक सड़कों पे आने से तो ये सारे आपके मुतालबा हुकूमत शायद ना माने, आपकी कामयाबी का पैमाना क्या है कि भाई हम वहां पहुंचे लोग, तो ये हमारे कामयाबी के लोएस्ट डिनोमिनेटर है कि भाई ये हम अचीव कर लें, वो क्या है? क्योंकि सब कुछ तो नहीं हो सकेगा। देखिए ये मैं कोई तफसील तो नहीं बता सकता, हम बिल्कुल जो हमारे मुतालबात हैं उन सबको हम समझते हैं कि ये लोस्ट बिल्कुल एक मांग है, ये कम से कम मिनिमम एजेंडा है, ये पूरा होना चाहिए। बाकी बातें तो और बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये कि इस मुल्क में अदलिया आजाद हो, ये कि लोगों को नाहक गिरफ्तार ना किया जाए, इससे कम क्या मांग हो सकती है? तो ये मांग करने के कि हम आएंगे, लोग बाहर निकलेंगे, आप देखेंगी, और ये कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो सलमान करवाई साहब, क्या इमरान खान साहब की अहलिया भी हमें नजर आएंगी इस मूवमेंट के अंदर, इसको लीड करते हुए या इस एहतजाज का हिस्सा बनते हुए? नहीं, उन्होंने बिल्कुल वजाहत की कि उनका काम सिर्फ पैगाम रसानी था, आज वो पैगाम उन्होंने पहुंचा दिया। हमारी जो मीटिंग है उसकी सदारत चेयरमैन गौहर ने की और उनका आगे मजीद कोई सियासी अमल दखल नहीं है, ना वो इसकी ख्वाहिश रखते। और जो मुख्तलिफ इजलास में उनकी शमूलियत है, इस हवाले से भी ये बातचीत हो रही है कि गालिबन वो सियासी फैसले भी कर रही हैं, सियासी तौर पे भी स्ट्रेटजी डिवाइस करने में उनका किरदार है, ये दुरुस्त है? बिल्कुल नहीं दुरुस्त, उन्होंने सिर्फ पैगाम देना था, वो पैगाम उन्होंने आज दे दिया और उनका इसके अलावा कोई रोल नहीं। और ये जो खबरें हैं कि केपी के अंदर वो सारे लीडरान को तलब किया, वहां पे उस इजलास में वो मौजूद थी, सदारत थी, ये तासुर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है? बिल्कुल गलत है। देखिए वो एक छोटी सी एक ड्राइंग रूम में एक मीटिंग थी, 15-20 लोग थे, उसमें सिर्फ गुफ्तगू हुई कि खान साहब क्या चाहते हैं। वो जो जिलेई जिम्मेदारान थे उनको बुलाया गया था और आज एक बड़ी मीटिंग में वही बात हुई और पैगाम जो है इमरान खान साहब का पहुंचा दिया गया है, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है और अब आगे उनका कोई सियासी रोल नहीं। बहुत शुक्रिया।